अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। अच्छा, सेकंड पार्ट ऑफ दैट जो वीडियो अभी आपने देखी डीप फेक के ऊपर, मैंने बड़ी कोशिश की उसमें आपको यह बताने की कि डीप फेक कैसे काम करता है, क्या उसमें, यानी कुछ चीजों के साथ। अच्छा, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है, जिसका हम लोग आजकल पार्ट बने हुए हैं, जो आप बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, लेकिन एक्चुअली कोई बताता नहीं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। एक्चुअली मिस इन्फॉर्मेशन, जहां पे मैंने लास्ट वीडियो खत्म की थी उसी कॉल से एक्चुअली वीडियो दोबारा शुरू करता हूं ये वाली, कि झूठ इतना कॉन्फिडेंटली और इतना ज्यादा बोलो कि लोगों को सच लगना शुरू हो जाए। यहां से फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर स्टार्ट होती है। आपको मिस इन्फॉर्मेशन इस तरीके से बताई जाती है कि आप उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से आपने अगर किसी की करेक्टर असैसिनेशन करनी है, किसी को गलत साबित करना है, तो आप उसको उसी लेवल पर हीरो बना के दिखाना शुरू कर दें, तो वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक पार्ट है। इसी तरह जितनी मिस इंफॉर्मेशन, मिस लीडिंग इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, देन किसी भी और तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट करके आप तक पहुंचाई जाती है, दैट इज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। एक्चुअली वो दौर अब खत्म हो चुका है जब मिसाइल्स और ये तमाम चीजें होती थी। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन, इसीलिए कहा जाता है कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आने वाली टेक्नोलॉजीज ऐसी आ रही हैं जिसके अंदर आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकेंगे, ताकि आपको यह पता रहे किस बंदे ने क्या इंफॉर्मेशन दी है और कितना। जैसे आपके सामने एक पीएचडी आ जाता है, मिसाल दे रहा हूं, अब आप उससे पीएचडी वाला क्वेश्चन करते हैं और उस बंदे को कुछ नहीं आता। जैसे आप लोगों के सामने बहुत सारी मिसालें आती हैं, जैसे चले मैं एक छोटा सा सिनेरियो आपके सामने रखता हूं। अगर आपने किसी को पकड़ना हो ना यूट्यूब के ऊपर कि जी के वो चैनल ठीक है, उसके पास ऑर्गेनिक व्यूज हैं या नहीं है, तो बड़ा आसान हल है। जैसे एक वीडियो वहां पे चल रही थी कुछ अर्सा पहले के जी 1 मिलियन व्यूज इन 10 मिनट्स, खुद उन भाई साहब के जो व्यूज थे वो मेरा ख्याल है 80 के 84 के करीब थे, 80 और 84 आफ्टर 1 मंथ, तो 1 मिलियन तो नहीं, तो दैट मीन्स के ही इज फेकिंग इट। देन आप ट्विटर के ऊपर जाएं, वहां पे आपको एक बड़ी मजे की चीज नजर आती है कि जी आपके ना इतने मिलियन व्यूअर्स हैं या इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब आप एक ट्वीट करते हैं उसको कह लीजिए ट्वीट चंद सौ लोग कर रहे हैं, या हजारों में तो खैर छोड़ दें, चंद सौ लोग कर रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली जो वहां पे ट्वीट्स हुए हैं, दैट इज नॉट ऑर्गेनिक ट्वीट्स। वो जो पिछले दिनों रोबोट्स का बड़ा हम नाम सुन रहे थे, वो रोबोटिक ट्वीट्स हैं। तो हमें ये सब चीजें इस तरीके से देखनी पड़ती हैं, ताकि हमें पता रहे कि क्या हो रहा है और क्या किस तरीके से हमने इन चीजों को लेके चलना है। ये छोटी सी मिसाल है, लोग अपने आप को जो है ना बहुत बड़ा बना के डिफरेंट तरीकों से शो करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज को समझना चाहिए, रादर देन कि हम बस जी ये सोचें कि ये किस तरीके से। आपको कुछ बुक्स में बताना चाहता हूं कि वो बुक्स आप लोग पढ़ें, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि जी दुनिया चल कैसे रही है। अपनी रिसर्च करें दुनिया, यानी जो न्यूज आपको मिलती है। देखें एक बुक बड़ी जबरदस्त है, दैट इज कॉल्ड व्हाई नेशंस फेल, जरूर पढ़िए। हु ओन्स द वर्ल्ड, नोम चॉम्स्की की बुक है, जरूर पढ़िए। ये दो तीन किताबें, फिर एक फ्यूचर क्राइम्स के नाम से बुक है, ये दो तीन किताबें हैं, इनको जरूर पढ़िए, आपको समझ आएगी दुनिया किस तरफ जा रही है। इसी तरह एक बुक है पावर, रॉबर्ट ग्रीन की है, जरूर उसको पढ़िए, आपको अंदाजा होगा कि दुनिया काम कैसे करती है। आपको यानी हम लोग ना सिर्फ वो एक्चुअली क्योंकि हम चाहते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके ज्यादा उससे इस्तेफादा हासिल कर लें, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा समझना पड़ता है, चीजों को पूरे लाइफ साइकिल समझने पड़ते हैं, तब आपको समझ में आती है कि असल में हो क्या रहा है। जैसे मैंने पिछले दिनों एक प्रोपेगेंडा के ऊपर आपसे शेयर की थी वीडियो, जो एक टीवी चैनल पर मेरी चली थी, तो आप वो प्रोपेगेंडा, एक बुक है एडवर्ड बर्नियस की, वो आप पढ़िए, आपको पता लगे कि प्रोपेगेंडा बनाया कैसे जाता है, किस तरीके से किसी को खराब साबित करना हो या किस तरीके से किसी को अच्छा साबित करना हो, तो ये कितनी देर का काम है, किस तरीके से इसकी प्लानिंग की जाती है, ताकि आप चीजें समझ सकें, आपको पता हो के क्या हो रहा है। सो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के ऊपर, कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर काम कैसे करता है। 5 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही बता सकता हूं, बाकी फिर इंशाल्लाह कभी डिटेल इसके अंदर और चीजें मैं डिस्कस करूंगा। ये जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं, प्लीज इनको पढ़िए, मोटिवेशनल किताबें भी पढ़ा करें, लेकिन इस तरह की जो रिसर्च बेस्ड बुक्स होती हैं वो भी पढ़ा करें, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड जज़ाकुमुल्लाह।